हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दे रेसिपी किचन में मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सो टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ श्रीखंड की। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा यम्मी और टेस्टी और डिलीशियस होता है फ्रेंड्स। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो ये है फ्रेंड्स। हमने ये दही ले रखा है। इस दही को हमने ये पैकेट वाले दही लिए हैं। हमने एक कप के हमने दो पैकेट लिए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने रात भर के लिए इस दही को इसके अंदर बांध के छोड़ दिया था, जिससे इसका पानी पूरा सब निकल गया है। अगर फ्रेंड्स आप रात भर के लिए रखना दही छोड़ दें, तो कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए दही को ऐसे कपड़े में, मलमल के कपड़े में बांध के लटका दीजिए, जिससे इसका पानी सारा जो है निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये इस तरह से ये दही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से हमें ये सारा दही निकाल लेना है एक साफ से कपड़े में मलमल के फ्रेंड्स। और ये हमने पिसी चीनी का बूरा लिया है 1/2 कप के लगभग, और ये हमने दूध में केसर भिगो दिया था। और ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता। और आज हम श्रीखंड आम वाला बना रहे हैं, जिसे अमरकंड बोलते हैं। ये हम इसमें 1/2 कप के लगभग ये आम की प्यूरी है। आप कोई सा भी इसमें आम का पेस्ट इसमें बना सकते हैं। सिर्फ इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। ये हमने एक टीस्पून के तो हाफ एक चुटकी लगभग हमने हरी इलायची का पाउडर लिया है और थोड़ा सा ये जायफल पाउडर। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमें इसको इसमें चीनी मिलाना है। ये देखिए, ये चीनी का बूरा है फ्रेंड्स। हमें 3 स्पून मिलाना है, क्योंकि हमें अभी इसके अंदर आम की प्यूरी भी मिक्स करना है फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ये श्रीखंड होता है। आप इसको केसर में भी बना सकते हैं, सिर्फ अगर आम की प्यूरी नहीं डालना चाहें तो। ये हमने 1/2 कप के लगभग ये आम की प्यूरी ली है। ये देखिए, और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से इसका बनाना है। देखिए, हमें इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप ये पैकेट वाला दही नहीं ले तो आप डेयरी वाला दही भी ले सकते हैं, उससे तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी श्रीखंड बनता है। ये देखिए, अब हमें इसमें ये इलायची पाउडर डाल देना है, और ये थोड़ा सा जायफल, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत कम के लगभग एक चुटकी। ये देखिए, बस इसमें इसका फ्लेवर थोड़ा आना चाहिए, टेस्टी बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा स्मूदी, क्रीमी क्रीमी सा। ये देखिए, ये श्रीखंड बनके तैयार होने वाला है, और इसका टेस्ट तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया डिलीशियस है। ये हमें देखिए इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स डालना है। ये देखिए, और ये केसर का जो दूध में हमने भिगो के रखा है, ये हमें क्यों डालना है फ्रेंड्स। ये हमने इसके अंदर आम की प्यूरी भी डाली है, और इससे केसर से तो और भी ज़्यादा टेस्टी बढ़िया। अगर आप इसमें आम की प्यूरी नहीं डालें तो सिर्फ केसर दूध में मिक्स करके डाल सकते हैं, और हरी इलायची। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से कम 10 मिनट के लगभग इसको और स्मूथी बनाना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस फ्रेंड्स ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये श्रीखंड बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस सो यम्मी फ्रेंड्स। आप इसको अपने किचन में ट्राई करना, इसके मज़े लेना फ्रेंड्स। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप अपने मेरे चैनल को लाइक करें, अच्छे से कमेंट फीडबैक दिया करें। प्लीज़ अपने दोस्तों में, मिलने वालों में मेरी ये रेसिपी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।